समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में सीसीयू डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। मुलायम सिंह का जीवन रक्षक दवाई दी जा रही है। मेदांता के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण के साथ ही दूसरी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन हालत में कोई सुधार न होने के चलते एक बार फिर क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी मेदांता पहुंचकर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। उन्होंने अखिलेश यादव से विस्तार से बात कर मुलायम सिंह की सेहत के बारे में जानकारी ली। इससे पहले यूपी विधायक अध्यक्ष सतीश महाना और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। फिलहाल पूरे देश और खासकर यूपी के लोग मुलायम सिंह यादव के जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। वहीं अखिलेश समेत पूरा परिवार मुलायम सिंह की तबीयत को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहा है।